हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यू था और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ी थी असेल्युलर लाइफ के बारे में। वायरस का चैप्टर ये कंटिन्यू था, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वायरस का इंट्रोडक्शन और वायरस की डिस्कवरी के बारे में समझा था। अब इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, कि वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह का है या वायरस की जो कंपोजिशन है, तो वायरस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ तो यहाँ पर समझें कि आपके पास ये जो एक वायरस है, ठीक है, ये एक वायरस मौजूद है इस तरीके से, कोई भी एक वायरस है और ये उसकी बाउंड्री है बाहर की, और ये बाउंड्री बाहर की जो बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है, जिसको हम नाम क्या देते हैं, कैप्सिड का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिंपल तरीके से आपको समझना है कि सबसे पहले के वायरस की एक बाहर बाउंड्री है प्रोटीन की बनी हुई, जिसको आप नाम क्या दे रहे हैं, कैप्सिड। और इसके अंदर आपके पास मौजूद होता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होगा, या वो डीएनए होता है, ठीक है, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस के अंदर या डीएनए होता है या आरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन वायरस के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं। तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब ये सिंपल एक वायरस का स्ट्रक्चर हो गया है कि ये बाहर की प्रोटीन की बनी हुई एक कवरिंग होती है, जिसको क्या नाम दे रहे होते हैं, कैप्सिड, ठीक है, और उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होगा, या डीएनए होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। अब जो थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ जाते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते थे और इनके अंदर किस तरीके से ये अरेंजमेंट होती है, क्या होता है, तो यहां पर आ जाए। अब देखिए, यहां पर जो वायरस है, एक वायरस का जो कंप्लीट पार्टिकल है, मतलब कि वायरस के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट हो, तो वायरस जो पार्टिकल है, कंप्लीट पार्टिकल, उसको हम नाम क्या देते हैं, विरियोन का नाम देते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, विरियोन। उसके अलावा क्या होता है, वायरोड, वायरोड एक अलग चीज है, याद रखिएगा, यहाँ पर विरियोन या वायरस, ये एक बात है। तो वायरस का जब कंप्लीट पार्टिकल होगा, उसको नाम क्या देंगे, विरियोन। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के अंदर आपको ये समझना है कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, एक आउटर कोट होता है और दूसरा जो होता है इनर कोर होता है। आउटर कोट जो, उसको आप नाम क्या दे सकते हैं, कैप्सिड का नाम देते हैं, जो प्रोटीन का बना हुआ होगा। दूसरा जो इनर कोर होगा, जिस अंदर वाली साइड, जिसके अंदर वायरस का क्या मौजूद होगा, जीनोम। जीनोम कहते हैं सेट ऑफ जीन्स, जो वायरस के अंदर जितने भी जीन्स होंगे उनको हम नाम क्या दे देंगे, जीनोम का नाम देंगे। अब वायरस के जीनोम के अंदर आपको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, या वायरस के जीनोम में या डीएनए होगा या आरएनए होगा, नेवर बोथ कंटेन, दोनों जीनोम डीएनए या आरएनए होगा, लेकिन ये दोनों एक ही वायरस में प्रेजेंट नहीं होगी। एक वायरस है या उसके अंदर डीएनए होगा, तो उसको नाम दे देंगे डीएनए वायरस, अगर उसके अंदर आरएनए है तो उसको नाम क्या दे देंगे, आरएनए वायरस। इसी तरह इनर कोर के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है, कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं वायरस के अंदर, जो वायरस के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब आपको नीचे आ जाए डायग्राम के अंदर, सिंपल आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, पहले आप इस डायग्राम की तरफ देखें। इस डायग्राम के अंदर आपको देखें, ये वाला जो एक थ्रेड नजर आ रहा है, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला जो अंदर की तरफ से क्वाइल हुआ पड़ा हुआ है, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ये वायरस का जीनोम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा देखें, ये वायरस क्या क्या है, ये जीनोम है। फिर इसके ऊपर एक किस्म की प्रोटीन की बनी हुई बाउंड्री होती है, तो यहाँ पर ये नहीं शो किया, लेकिन ये देखें छोटे छोटे बॉल की तरह स्ट्रक्चर बने हुए, ये वाले, ये अलग छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए, इनको हम, ये पूरी बाउंड्री कवर्ड होती है इस तरह से, ये पूरी इस वायरस के ऊपर कवर्ड होती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका नाम क्या होगा, कैप्सिड का नाम देंगे। तो कैप्सिड और जीनोम, इन दोनों को मिलाकर नाम क्या देंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड का नाम देंगे। न्यूक्लियो कैप्सिड का मतलब है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड या डीएनए होता है या आरएनए होता है, तो इनको मिलाकर आप नाम क्या देंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड। तो ये न्यूक्लियो कैप्सिड टर्म आ जाए कहीं, तो न्यूक्लियो कैप्सिड का मतलब होता है कि कैप्सिड प्लस जीनोम, जीनोम के अंदर डीएनए होगा या आरएनए, तो उसको मिलाकर नाम क्या देंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड का नाम देते हैं, ठीक है। अब वायरस के अंदर जो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, आउटर कोट जो है कैप्सिड, ये जो कैप्सिड है ये बना हुआ होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जिनको हम नाम क्या देते हैं, कैप्सोमर्स का नाम देते हैं। तो कैप्सोमर्स जो होते हैं, ये स्मॉल आइडेंटिकल यूनिट्स होते हैं, जो पूरे वायरस की बॉडी को कवर्ड करते हैं, और उन पूरे स्ट्रक्चर को मिलाकर हम नाम देते हैं क्या, कैप्सिड का नाम देंगे। तो कैप्सोमर्स छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको आप नाम क्या देंगे, कैप्सोमर्स। और यही कैप्सोमर्स जो होते हैं, अरेंज होते हैं पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, और वो पैटर्न मिलकर बनाता है कैप्सिड, ठीक है। तो कैप्सिड जो है एक बड़ा यूनिट है, जो प्रोटीन कोट है, और ये बना हुआ होता है कैप्सोमर्स का, छोटे छोटे यूनिट्स जो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अब ये वायरस का हो गया आउटर कोट। अब वायरस के अंदर देखें, इनर कोर के अंदर देखें, आपको जीनोम जो मैंने कहा, या डीएनए होगा या आरएनए। अब ये जो वायरस के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर थ्रेड की नजर आ रहा है, या इस डायग्राम के अंदर भी आपको ये थ्रेड नजर आ रहा है, तो ये वायरस का क्या होता है, जीनोम।
या वायरस के इस जीनोम के अंदर इसके सेट ऑफ जीन्स होंगे, एक वायरस की इंफॉर्मेशन होगी, या वो डीएनए की फॉर्म में होगी या आरएनए की फॉर्म में। अब आपको ये याद रखना है कि जिन वायरस के अंदर डीएनए होगा तो उनकी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होगी, लेकिन जिन वायरस के अंदर डीएनए नहीं है आरएनए, तो आरएनए जो होगा वो एज अ हेरिडिटी मटीरियल कंसीडर किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कुछ वायरस जो होते हैं उनके अंदर इस तरह से यहाँ पर इन जीनोम के साथ एक किस्म का प्रोटीन क्या बना हुआ एंजाइम भी मौजूद होंगे, यहाँ पर जैसे कि एक यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटीन के बने हुए एंजाइम होते हैं और वो वायरस को न्यू कॉपी बनाने में, रिप्लिकेशन में काम करते हैं। जैसे कि एक वायरस है जिस वायरस का नाम होता है एचआईवी वायरस, ठीक है, जो एड्स की बीमारी काज करता है। अब एचआईवी वायरस के अंदर एक एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये वायरस के अंदर उसको रिप्लिकेशन में काम करेगा, प्रोटीन बनाने के अंदर भी काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक होता है इंटरग्रेज, एक और एंजाइम है जो वायरस को, वायरस के डीएनए को इंटरग्रेज करवाएगा होस्ट के डीएनए के साथ। तो ये ज़्यादा हम एचआईवी वायरस का जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन याद रखना है कि इनर कोर के अंदर डीएनए या आरएनए होता है, प्लस उसके अंदर कुछ एंजाइम भी मौजूद होते हैं जो वायरस को हेल्प करते हैं उसकी रिप्लिकेशन के अंदर, उसकी कॉपी प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, उसको प्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर देते हैं। अब ये तो आउटर कोर हो गया, ठीक है। अब कुछ ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर कैप्सिड के अलावा एक और इस तरह बाहर बाउंड्री होती है, ठीक है, ये जो बनी हुई है ना इस तरफ एक और बाहर इस तरह एक और कवर्ड होगा, तो एक और कवर्ड होगा तो उसको हम नाम क्या देंगे, एक और कवर्ड होगा तो उसको हम कहते हैं इनवलॉप का नाम देंगे, ठीक है, तो उसको नाम क्या देंगे, इनवलॉप का नाम देते हैं, ठीक है, तो उसके अलावा हम क्या नाम देते हैं, इनवलॉप। अब यहाँ पर देखें आपको ये एक और ये वायरस जो नजर आ रहा है ये तो नेकेड है, इसके ऊपर इनवलॉप नहीं, लेकिन ये वायरस जो इनवलॉप्ड वायरस है इसके ऊपर आपको ये प्रोटीन के बने हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये अरेंज है पर्टिकुलर वे के अंदर, लेकिन एक और बाहर आपको बाउंड्री नजर आ रही है, ये वाली बाउंड्री नजर आ रही है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो बाउंड्री नजर हुई, तो इसको कहते हैं इनवलॉप का नाम देते हैं। और ये इनवलॉप जो बना होता है किसका बना होता है, ये ग्लाइको प्रोटीन्स का बना होता है, किसका बना होता है, ये आपको याद रखना है कि ये ग्लाइको सॉरी लिपोप्रोटीन का, ग्लाइको प्रोटीन का नहीं लिपोप्रोटीन का याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इनवलॉप जो है किसका बना होता है, ये लिपोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है, ये जो आपको बीच वाला नजर, फिर सी इनवलॉप से छोटी छोटी स्पाइक्स नजर आ रही है, ये वाली छोटी छोटी स्पाइक्स नजर आ रही है, ये वाली छोटी छोटी स्पाइक्स नजर आ रही हैं आपको, इनको हम नाम क्या देते हैं, स्पाइक्स। और ये स्पाइक्स किसकी बनी होती है, ये ग्लाइको प्रोटीन्स की बनी होती है, ये किसकी बनी होती है, जीपी का नाम देते हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स की होती है, ये आपको याद रखना है एमसीक्यूज के हिसाब से। और इस वायरस को नाम क्या देंगे, इनवलॉप्ड वायरस का नाम देंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक और एक्स्ट्रा बाउंड्री है, जो वायरस अगर नहीं है तो उसको कहेंगे नेकेड या अन इनवलॉप का नाम देंगे, लेकिन प्रेजेंट होगी तो उसको क्या कहेंगे, इनवलॉप। तो इनवलॉप वायरस किसका बना होगा, तो याद रखिएगा ये इनवलॉप जो बना होता है लिपोप्रोटीन का बना होता है, और ये स्पाइक्स जो होती हैं इसके ऊपर वो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर वायरस। अब आ जाए थोड़ा और इनके ऊपर, देखिए आउटर कोट अभी हमने डिस्कस किया, तो ये वायरस जो है इसकी जो आउटर कोट, इसको हमने नाम दिया गया कैप्सिड। कैप्सिड किसकी बनी हुई होती है, आइडेंटिकल यूनिट्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए, जिनको आप नाम क्या दे रहे होते हैं, कैप्सोमर्स का नाम देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे यूनिट से कैप्सोमर्स। तो कैप्सिड पूरी प्रोटीन की कोट को कह रहे हैं, और बनी हुई किसकी होती है, कैप्सोमर्स, और ये छोटे छोटे प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब जो वायरस की आउटर कोट की सिमेट्री, कैप्सिड की सिमेट्री की बुनियाद पर दो तरह के वायरस होंगे, या उनको हम नाम क्या देंगे, ऑक्सोहेड्रल का नाम देंगे या हेलिकल का नाम देंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखिए जब कैप्सोमर जो होगा अरेंज होगा 20 ट्राइंगल्स के अंदर, इंटू 20 ट्राइंगल्स, ये सिमेट्री होती है, याद रखिएगा बस, कि जब कैप्सोमर्स जो होगा वो अरेंज होगा इंटू 20 ट्राइंगल्स, तो उस वायरस का नाम होगा ऑक्सोहेड्रल का नाम देंगे, ऑक्सोहेड्रल का नाम देंगे। और कैप्सोमर अरेंज होगा अगर होलो क्वाइल के अंदर, एक किस्म की इस तरीके से, देखें ये जो कैप्सोमर्स इस तरह हेलो क्वाइल के अंदर अरेंज होंगे इस तरीके से, क्वाइल की फॉर्म में हेलो क्वाइल के अंदर अपीयर होंगे और रोड शेप बनाएंगे, तो उसको हम नाम क्या देंगे, हेलिकल शेप वायरस का नाम देंगे। तो कैप्सिड जो है या ऑक्सोहेड्रल होगा या हेलिकल होगा, ऑक्सोहेड्रल तब होगा जब उसके अंदर कैप्सोमर जो अरेंज होगा 20 ट्रायंगल्स के अंदर होगा, और अगर होलो क्वाइल के अंदर अरेंज है तो उसको नाम क्या देंगे, हेलिकल। अभी नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें देखें ये जो इसके अंदर ये जो कैप्सिड है ना, ये वाला ये कैप्सिड इस तरह हेलिकल क्वाइल अरेंज है, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं हेलिकल शेप वायरस का नाम। तो इसका कैप्सिड, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना टैबेकोमोसिक वायरस, TMV, टैबेकोमोसिक वायरस जो है ये हेलिकल शेप्ड वायरस होता है। और दूसरा जो है एक्सोहेड्रल जो है, या तो ये पॉलीहेड्रल होगा या स्फेरिकल होता है। पॉलीहेड्रल का मतलब एक से ज्यादा जिनके हेड प्रेजेंट हो, जैसे कि ये पॉलीहेड्रल है तो उसको कहेंगे एडेनो वायरस का नाम देंगे, एडेनो वायरस इसका एग्जाम्पल है। तो ये इनके अंदर हेड जो होगा, इनका जो कैप्सोमर अरेंज होंगे वो 20 ट्राइंगल्स के अंदर होंगे, ठीक है।
20 अलग अलग तरीके से अरेंज होंगे, सिंपली हम ये कह सकते हैं। इसी तरह स्फेरिकल, जिसका एग्जाम्पल लिखा हुआ इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके अंदर भी ये सेम होगा, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी यहाँ पर डिस्कस। लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेड तो होता है पॉलीहेड्रल, लेकिन उनके अलावा इनके अंदर एक ये नेक भी होती है और इसके अलावा इनके अंदर टेल फाइबर्स भी होते हैं। तो इन वायरस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स वायरस या टेडपोल शेप वायरस का भी नाम देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बैक्टेरियोफेज। अब ये ज़्यादा हम बैक्टेरियोफेज जब पढ़ेंगे डिटेल के अंदर तो वहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम के हिसाब से याद रखिएगा, ये हेलिकल है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस वायरस, और ये आरएनए वायरस होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये आरएनए वायरस होता है, और ये जो है ये एडेनो वायरस क्या होता है, ये डीएनए वायरस होता है पॉलीहेड्रल वाला। और स्फेरिकल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये कौन सा वायरस होता है, ये आरएनए वायरस होता है। और कॉम्प्लेक्स बैक्टेरियोफेज वायरस जो होता है ये मोस्टली क्या होता है, ये डीएनए वायरस होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में हो चुका है, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस का टॉपिक अपलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और बात यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ये जो कैप्सिड थे, कैप्सोमर्स, ये नंबर इनके अलग अलग होते हैं, हर वायरस के अंदर अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको हर्प्स वायरस जो, इसके अंदर 162 कैप्सोमर्स मिलेंगे। उसके अलावा एक एडेनो वायरस जो है उसके अंदर 252 कैप्सोमर्स मिलेंगे। तो हर किसी वायरस के अंदर ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। थैंक यू।